तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आप लोगों को टेंस को बताया है और इसे टेंस और उनके पार्ट्स को भी बताया है और साथ ही साथ उसे अच्छी तरह से समझाया भी है। तो पूरी वीडियो देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी कॉपी पर। वीडियो के लास्ट में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। यहाँ पर टेंस का यानी कि डिफिनेशन मिल जाएगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे डियर नीति सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बगल में आने वाले घंटे का उनको प्रेस करके ऑल वाले पर क्लिक कर लेना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, आगे जो वीडियोज आने वाली है वह पार्ट में आने वाली है टेंस का। तो जाकर के अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे का उनको प्रेस करके ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आप लोगों को आगे यहाँ पर कि व्हाट इज टेंस, क्या है व्हाट इज टेंस। तो व्हाट इज टेंस, ये टेंस क्या है, क्या है टेंस, क्या है यानी कि काल क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर में लिखा है कि कोई काम किस समय हुआ है उसे दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे समझने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोगों को समझना है, कोई काम किस समय हुआ है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, वह काम किस समय हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। उसे दिखाने के लिए टेंस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो जो आप टेंस के अंदर घुसते जाओगे और भी रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है। क्या, जो 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 आप यानी कि टेंस के अंदर घुसते जाओगे, टेंस में और भी रास्ते खुलते जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूं। पहले आप लोगों को टेंस को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। देखिए कहा क्या जा रहा है, उसे आप ध्यान से समझिए कि कोई काम किस समय हुआ है, किस समय। तो यहां पर इन्हीं दोनों यानी कि इसी पर और इसी पर ही ध्यान देना आपको, किस समय हुआ है, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा, ठीक है। यही है टेंस, क्या है, यही है टेंस। अब चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं, वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। चलिए हम देखते हैं यहां पर आगे हमने लिखा है टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहली बात तो आप लोग जो है टेंस को समझने के लिए उसके टाइप्स को समझना होगा, तभी आप लोग टेंस को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, ठीक है। अब यहां पर ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस थोड़े जानते भी होंगे, फिर भी आप लोग पूरी समझ जाओगे, ठीक है। और वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहां पर प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। अब ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान क्या होता है, ठीक है, वर्तमान क्या होता है, वर्तमान अभी जो हो रहा है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी यह प्रेजेंट में हो रहा है यानी कि वर्तमान में हो रहा है। अब आगे की पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूत मतलब हो गया कि पीछे, वो आपको जो डराते हैं वो वाली भूत नहीं, जो भूत मतलब हो जाता है पीछे, पहले, ठीक है। भूत मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पास्ट टेंस यानी कि पहले जो काम हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। आगे आप लोगों को इन सभी का डिफिनेशन भी दिखाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे की फ्यूचर टेंस, यहां पर देखिए फ्यूचर टेंस। अब यहां पर फ्यूचर टेंस में क्या कहा जा रहा है कि भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। यहां पर पूरा साफ है कि भविष्यकाल यानी कि भविष्य में जो काम होगा उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यकाल, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी के डिफिनेशन को भी जानेंगे। तो डिफिनेशन इसका क्या है वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कि हमने यहां पर देखिए कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस यहां पर हमने ले लिया है। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या है और इन सभी को हम जानेंगे। यहाँ पर है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस यानी कि इसका आंसर हमने लिखा है कि वैसा टेंस जिससे कि काम के, यानी कि वैसा टेंस जिससे काम के वर्तमान में होने का बोध होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या है, वैसा टेंस जिससे काम के वर्तमान में होने का बोध होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब यहां पर आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर भी अगर आप लोग यह वीडियो पूरी देख लोगे तो आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज के बाद आप लोग टेंस के रिलेटेड कोई भी वीडियोज नहीं देखिएगा इस कोर्स के बाद। चलिए यहां पर है कि
व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि वैसा टेंस जिससे काम, मान लीजिए आपने जो कोई काम किया वो वर्तमान में होने का बोध होता है, यानी कि वर्तमान में हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। आगे देखिए कि व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस क्या है, आप लोगों को हमने ऊपर बताया कि जो काम पहले हो जाता है जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं इससे पहले कोई काम हो चुका है, अगर मैं उस काम के बारे में बोल रहा हूं तब वह किस टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में, ठीक है। मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया। अब यहां पर देखिए, खा तो हमने पहले लिया लेकिन हम लोग बोल कब रहे, अभी, तो यहां पर जो खाना हमने पहले खाया बट बोल रहे उसके बारे में अभी, तो यह पास्ट टेंस में कहा जाता है, किसमें, पास्ट टेंस में। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काम समय जब आप बोल रहे हो उससे पहले हो गया हो, ठीक है, जो काम आप जब बोल रहे हो उससे पहले हो चुका है और आप अभी बोल रहे हो, तब हुआ जो काम हुआ वह पास्ट टेंस में हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए हमने कैसे लिखा है परिभाषा इसका, वैसा टेंस जिससे काम के पहले हो जाने का बोध होता है पास्ट टेंस कहलाता है। इन सभी के एग्जांपल भी हम देखेंगे आगे, ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स की फ्यूचर टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, हमें दोबारा भी आप लोगों को रिपीट करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर हमने लिखा है फ्यूचर टेंस क्या है, अब यहाँ से फ्यूचर से ही पता चल जाता है कि फ्यूचर मतलब हुआ क्या, यानी कि जो भविष्य में होगा, ठीक है, वैसा टेंस जिससे काम के भविष्य में होने का बोध होता है फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वैसा टेंस यानी कि जो टेंस है वो यानी कि कोई जो टेंस, ऐसा टेंस जिससे काम के भविष्य में होने का बोध होता है, यानी कि कोई आप जो काम करोगे, अभी आप कर नहीं रहे हो बट बोल रहे हो मैं यह करूंगा, यानी कि आप बाद में आप करोगे या ना करोगे बट अभी बोल रहे हो कि मैं बाद में करूंगा, ठीक है, तो अब जो वह बाद में काम होगा, ठीक है, अब जो वह बाद में काम होगा वह चला जाएगा फ्यूचर टेंस में। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, तो यहां पर अभी तो आप खाना नहीं खा रहे हो बट जब आप खाना खाओगे तब वह फ्यूचर टेंस में जाएगा, ठीक है, तो अभी जो आपने बोला वह फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, बट जब आप खाना खा रहे हो तब अगर बोलोगे तो मैं खाना खा रहा हूं या मैं खाता हूं, ठीक है, तब वह प्रेजेंट टेंस में जाएगा। मैंने खाना खा लिया, अब आप लोग खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद बोल रहे हो कि मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खाया था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, तो यह चला जाता है पास्ट में। तो बहुत ही सिंपल है टेंस को समझना कि टेंस होता क्या है। देखिए टेंस आप एक समय है, क्या है, टेंस एक समय है, और इसे टेंस को यानी कि आप समय पीरियड ये सभी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं जिससे कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना रहे। चलिए हमने लिखा है कि व्हाट इज टेंस, कोई काम किस समय हुआ है उसे दिखाने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यही यहां पर देखिए किस टाइम, ठीक है, किस समय, इसी पर आप लोगों को ध्यान देना है, उसी को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। जिस समय वह काम होगा, किसी समय में ही कोई काम होता है, हर एक चीज जो भी काम है उसमें टेंस छुपा हुआ है, क्या है, टेंस छुपा हुआ है, टेंस है वह, कोई टेंस है, तो यहां पर कौन सा टेंस है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो आप टेंस में घुसते चले जाओगे आगे और भी रास्ते खुलते चले जाएंगे, आगे आप देखना और भी रास्ते, ढेर सारे रास्ते खुलेंगे। चलिए हम देखते हैं, यहां पर हमने आगे लिखा है टाइप्स ऑफ टेंस, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, और उसके बाद देखिए क्या लिखा हमने, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि वैसा टेंस जिसे काम के वर्तमान में होने का बोध होता है, ठीक है, और आगे लिखा हमने व्हाट इज पास्ट टेंस, ठीक है, वैसा टेंस जिसे काम के पहले हो जाने का बोध होता है पास्ट टेंस कहलाता है, और व्हाट इज फ्यूचर टेंस, यानी कि वैसा टेंस जिससे काम के भविष्य में होने का बोध होता है फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है। अब हमें जो है इसका एग्जांपल भी देखना जरूरी है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल भी आप लोगों को यहां पर दिखा देते हैं। तो यहां पर हमने प्रेजेंट टेंस में एक एग्जांपल लिया और तीनों काम ने एक एक एग्जांपल लिया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, और आगे जो जो आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ोगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, उसमें आप लोगों को ढेर सारे मिल जाएंगे, आप पढ़ते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स आगे ऐसे ही पार्ट्स में वीडियो आने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।
तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस में हमने एक एग्जांपल लिया कि मैं जाता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, तो यहां पर क्या होगा, आई ईट, आई ईट। आगे की पास्ट टेंस में मैं खुश था, मैं खुश था। हमने तीनों में तीन तरह के ट्रांसलेशन लिए हैं जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आए। आगे हमने लिखा कि मैं खुश था, आई वाज ईट, आई वाज ईट। आगे कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, अभी मैं खा नहीं रहा हूं, खाऊंगा फ्यूचर में, तो यहां पर क्या लिखा हमने, आई विल ईट। तो इसी तरह से यहां पर जो है हमने टेंस आज हमने पढ़ा कि टेंस किसे कहते हैं, यानी कि टेंस का डिफिनेशन, और उसके बाद टाइप उसका पढ़ा, और उसके टाइप का यानी कि डिफिनेशन भी हमने पढ़ा, और उसके एग्जांपल भी हमने देखा। अगले पार्ट में आएगा टाइप्स ऑफ यानी कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, आप जो भी बोलो, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट पीरियड, ठीक है, तो ये तीनों बोल सकते हो आप। तो दोस्तों आप लोगों को जो है यह वीडियो देख करके कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी जो है सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो पार्ट्स आने वाले हैं उन सभी को भी देखना है आप लोगों को, और अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर मजा आया तो अभी लाइक करके सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियोज आती रहेगी और आप लोगों को पढ़ाती रहेगी, और साथ ही साथ आप लोगों को और भी मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप लोगों को टेंस के सिवाय और कोई, मान लीजिए कि टेंस के आगे तो आप लोगों को सभी यानी कि चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर अभी तक आपने डाइट्स ऑफ टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ आप लोगों को आई बटन में भी मैं दे दूंगा, तो जाकर के जरूर देखना, ठीक है। लास्ट में अभी जो वीडियो अंत होगा तब भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जाकर के देखिए डाइट्स ऑफ टेंस, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उनमें अच्छी तरह से हमने समझा है कि टेंस पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या क्या करने हैं, और उन सभी में क्या किन किन चैप्टरों को ध्यान से पढ़ना है। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के साथ, और उन सभी के स्ट्रक्चर्स और रूल्स को भी जानेंगे, पहचान को जानेंगे, तो उन सभी वीडियो को आप लोग मिस नहीं करना। आप लोगों को मेरी राय माने तो आप लोग किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।